कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसको आखिरी गांव माना था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको प्रथम गांव माना है। लोकसभा चुनाव अकेले सीपी जोशी नहीं लड़ रहे हो, देश में नरेंद्र मोदी जी अकेला नहीं लड़ रहा, हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी बनन काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा वोट को एक जरिया बनाया है, अपना हथियार बनाया है। इसमें है एक तरफ मजबूत नेतृत्व है मोदी जी का, तो दूसरी तरफ कमजोर नेतृत्व है राहुल गांधी और बाकी सारी पार्टियां। सीपी जोशी साहब, मैं आपने यूं कहना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ जो लोकसभा सीट है उमू सब आखिरी गांव भी आवे है, अटे तक भी आप आयो हो, तो इपर कई कहना चाहूंगा ये गांव के बारे में कई कहना चाहूंगा, क्योंकि साहब पहले भी बताए हो कि आप अटे तक सड़क पहुंचाइए। अभी तक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसको आखिरी गांव माना था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको प्रथम गांव माना है और विकास में भी प्रायोरिटी के आधार पर हम लोगों ने इसका विकास कराया है। ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता, आप यहाँ से विधायक रहे और तब से लेकर अब तक हम लोग विकास की गाथा लिखेंगे, तो सबसे ज़्यादा काम इस क्षेत्र में हुआ है। कांग्रेस ने हमेशा वोट को एक जरिया बनाया है, अपना हथियार बनाया है, लेकिन उस सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक भी और गरीब के लिए, किसान के लिए कोई काम नहीं किया, महिला सशक्तिकरण के लिए कोई काम नहीं किया। अगर ये काम हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ है। जी, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप जो है भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष भी हो, तो उरे तरफ भी आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी बनी है, इरेवलबा लोकसभा में बचे आप प्रत्याशी भी हो सांसद रहा, तो आप रो काम जो है थोड़ो आपने गृह क्षेत्र में थोड़ा कम पड़ जावे, क्योंकि सब जगह दूसरा क्षेत्र में भी आपने जानो पड़े। चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र विकास की दृष्टि में सब आगे है और मैं प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा मैं अकेलो नहीं लड़ रही हूँ, प्रदेश अध्यक्ष मैं अकेलो नहीं हूँ, पूरा राजस्थान रहा भारतीय जनता पार्टी रहा कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन काम चल रही है। और अटे भी लोकसभा चुनाव अकेले सीपी जोशी नहीं लड़ रहे हो, देश में नरेंद्र मोदी जी अकेला नहीं लड़ रहा, हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी बनन काम कर रहा है। क्योंकि सीपी जोशी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभावा, पूरा राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में जावे, तो ये फायदो आपरे क्षेत्र रहा जो दूसरा नेता है वो उठावे। निश्चित रूप से यहाँ मैं ही नहीं, बाकी सभी वरिष्ठ नेता मेरी अब्सेंस में भी, क्योंकि मैं भी इन्हीं के बीच का एक कार्यकर्ता हूं, तो इन सब के मार्गदर्शन में यहाँ विकास, यहाँ के लोगों के बीच में जाना, सुख दुख में सहभागी बनना, ये सब लोग करते हैं और मुझे जो निर्देश, मेरे जिम्मे जो काम होता है वो ये बताते हैं और मैं उसको करने का प्रयास करता हूं। बस एक आखिरी सवाल कि आगे वाला लोकसभा चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहोगा? अरे लोकसभा चुनाव में हमारे तो जनता जनार्दन यही निवेदन है कि ये चुनाव है राष्ट्रवादी पार्टी और राष्ट्र विरोधी ताकतार वच में है, ये चुनाव है जना राम मंदिर ने अटकायो काम ने और जना राम मंदिर बनाए वनारा बीच में, जना धारा 370 लगे जना धारा 370 हटाई वनारा बच में, जना गरीबा के लिए खाली नारा और वादा दीदा और मोदी जी वाने साकार कर दी दो, ये चुनाव वना का बस में है। एक तरफ मजबूत नेतृत्व है मोदी जी का, तो दूसरी तरफ कमजोर नेतृत्व है राहुल गांधी और बाकी सारी पार्टियां, तो गांव गरीब किसान महिला हर वर्ग के लोगों ने यह तय कर लिया फिर एक बार मोदी सरकार। आज लगभग 12-14 घंटा आप यात्रा करवा वालो, पूरा जो है जनसंपर्क करवा वालो, इस पे क्या कहना चाहो? ये आज का नहीं, मेरा लगातार पिछले जब से सांसद बना हूँ तब से लगातार इस क्षेत्र, और ये ताकत मिलती है इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से।